अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ एएमयू बीएससी नर्सिंग का पेपर 2024 का। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे इंग्लिश के बारे में, सवाल कहाँ से आए थे, कौन से आए थे, किस टॉपिक से आए थे, सारी बात बताऊँगा आपको वीडियो में, समझाऊँगा अभी आपको। ध्यान से आप देखिए वीडियो, बहुत ही काम की दोस्तों ये वीडियो है, काफ़ी आपको हेल्प इससे मिलने वाली है। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। जिन लोगों को नोट्स चाहिए 2025 के लिए एएमयू बीएससी नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए, नंबर आपको दिया है स्क्रीन पे, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। अगर आपने सही से उन नोट्स को पढ़ लिया तो बिना कोचिंग के आपका टेस्ट निकल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन होती है कि आप मेहनती होना चाहिए, ये कंडीशन है बस मेन, बाकी सारे काम है नोट्स कर देंगे। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों आप टेस्ट निकाल लेंगे बीएससी नर्सिंग का। तो सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, पहला सवाल दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा, ये सवाल आपको आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, जो कि मैनकाइंड को हेट करता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, इंट्रोवर्ट है, देन मिसेंथ्रोप। तो ये मिसेंथ्रोप इसको दोस्तों बोलते हैं, बहुत ही अहम दोस्तों ये टॉपिक है। और ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया यहाँ से आपको एक सवाल तो और हाल ही मिल जाता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मिसेंथ्रोप होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था डर्थ का आपका सिनोनिम क्या होगा। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका सिनोनिम एंटोनिम वाला, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है और काफ़ी मुश्किल दोस्तों ये टॉपिक रहता है। अगर आपको नहीं अच्छे से आपकी वोकैब आती तो बहुत मुश्किल पड़ता है ये टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन नोट्स में आपको सारा मिल जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, वहाँ से काफ़ी सवाल आपको मिल जाएंगे। तो डर्थ का आप बताना है आपको सिनोनिम। अब दोस्तों ये वर्ड का जो आपका मतलब ये वर्ड है कॉमन, लेकिन 12th लेवल पे बच्चों की वो कैप काफ़ी वीक होती है, तो इस वजह से उनको ये थोड़े से मुश्किल वाले वर्ड नहीं पता होते हैं। सो आपके ऑप्शन है अबंडेंस, स्कार्सिटी, वोग एंड दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका एंड। दोस्तों इसका मतलब होगा डर्थ का दोस्तों होगा आपका स्कार्सिटी, मतलब कमी, इसका मतलब होता है कमी। तो इसका दोस्तों जो आपके नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा आपके स्कार्सिटी, इसका मतलब भी होता है कमी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दोस्तों होगा। तो नेक्स्ट सवाल भी आपको आया था सिनोनिम एंटोनिम से, इस टॉपिक से आपको सिनोनिम एंटोनिम दोनों मिला के बीच में चार पांच सवाल तो आपको आएंगे, और अगर आपका ये पार्ट बढ़िया तो चार पांच नंबर आपके एकदम सेफ हो जाते हैं। तो सो नेक्स्ट आपका था, आपको बताना था कि डिटेस्ट का सिनोनिम क्या होगा। ये थोड़ा मुश्किल पड़ा होगा बच्चों को, क्योंकि ये जो वर्ड है आमतौर पर आपने बहुत कम इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, लेकिन इसका जो इसका मीनिंग है वो बड़ा कॉमन मीनिंग है, वो आपने हर जगह देखा होगा। उसको इसका सिनोनिम होगा, आपके ऑप्शन है आर्ग्यू, हेट, डिस्कवर, रिवील, हेट। तो इसका आपका सिनोनिम होता है हेट। अब हम सब जानते हैं हेट कितना कॉमन है, लेकिन ये वर्ड जो है थोड़ा सा अंदर से आ गया है, लेकिन ये हेट इसका सिनोनिम होगा। मैंने बताया आपको इस टॉपिक से काफ़ी सवाल दोस्तों आ जाते हैं। लेकिन आपका नेक्स्ट सवाल जो आपको आया कि अब आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चूज़ द वर्ड ऑफ फ्रेज विच इज़ नियरेस्ट मीनिंग टू द की वर्ड docile। दोस्तों docile एक और आपका सिनोनिम आ गया, आपको बताया नियरेस्ट मीनिंग, तो आपको इसका बताना है सिनोनिम। दोस्तों आपके ऑप्शन है वेग, जेंटल, स्टूपिड, स्टबॉर्न। दोस्तों docile का जो ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, आमतौर पर आपने इसको इस्तेमाल होते नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मीनिंग दोस्तों जो है बड़ा कॉमन सेंस। तो आपका docile का मतलब होता है इसको आसानी से काबू किया जा सके, या जिसको इस केस में हम दोस्तों यहाँ बोलेंगे जेंटल, जो बड़ा मतलब काम है, बड़ा मतलब काम का मतलब है जिसको आराम से आप टेम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं docile। तो यहाँ docile का मतलब होगा जेंटल, मतलब सॉफ्ट, ये इसका मतलब है। यहाँ पर देखिए तीन आ चुके दोस्तों जो मैं बता रहा था आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, ये सवाल भी आपको आपको एंटोनिम आया है दोस्तों, टेम्परेट का एंटोनिम क्या होगा। टेम्परेट दोस्तों ये वर्ड तो कॉमन है, टेम्परेट सुना होगा आपने, टेम्परेचर है ना, टेम्परामेंट, इस टाइप के वर्ड सुने होंगे आपने, तो वहीं से दोस्तों ये वर्ड आया टेम्परेट। तो टेम्परेट का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा मतलब बंदा जो है ना मॉडरेट होता है, इसको हम बोलेंगे। तो इसका होगा दोस्तों, इसका बताना है आपको ऑपोजिट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आपको नॉन टेम्परेट, अनटेम्परेट, इल टेम्परेट, दोस्तों इनटेम्परेट। तो इसका होगा इनटेम्परेट दोस्तों, इसका आंसर होगा है ना, टेम्परेट का होगा इनटेम्परेट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक करना था, और ये सवाल दोस्तों अगर हम देखें तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपको आया है, इसे बोलते हैं मॉडल वर्ब है ना, मॉडल आपने सुना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब। यहाँ से भी सवाल आपको ज़रूर मिलता है, और ये सवाल आपके लिए आ चुका है दोस्तों, यू ब्लैंक मैड,
इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू एनी मोर मनी। अब इसमें क्या आएगा, आपके ऑप्शन है शैल बी, तो सपोजिडली बी, मस्ट बी, ऑट बी। दोस्तों ये आपको आया है मॉडल वर्ब से। दोस्तों इसका अब ये आपको अगर रूल मालूम होंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। दोस्तों इसका आंसर होगा मस्ट बी, क्योंकि मस्ट जब आता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी बात में कन्विंस्ड हों, है ना, तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यू मस्ट बी मैड, शुड शैल नहीं होगा दोस्तों, मस्ट बी। और ऑट जो है वो आपके एक मॉरल जो ड्यूटी होती है उसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मस्ट जो है ना वो जो मैंने बताया आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर आपका कोई राय है या आपकी ओपिनियन है वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसका आंसर होगा यू मस्ट बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू एनी मोर मनी। ऑप्शन सी दोस्तों का सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया है टेंसेस से। टेंसेस दोस्तों यहाँ सवाल आपको आ जाते हैं, अगर आपको टेंस पक्के हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे, सही कर लेंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। जॉन हैज़ स्टडीड फ्रेंच। अभी दोस्तों ये टेंस देखें आप, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि आपके पास यहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आपको आगे जो ब्लैंक है वहाँ पर क्या आएगा ये बताना। तो आपके ऑप्शन है सिंस फोर ईयर अगो, फ्रॉम फोर ईयर अगो, फ्रॉम फोर ईयर्स और फॉर फोर ईयर। तो हम जानते हैं कि अगर हमें टाइम पीरियड गिवन होता है तो उसके लिए फॉर लगाते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा फॉर फोर ईयर्स, फ्रॉम नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा और ना फ्रॉम आएगा, फ्रॉम फोर ईयर। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, फॉर फोर ईयर, ऑप्शन डी सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल भी आपको आया था। सो ये भी आपके दो चीज़ें चेक हो रही हैं इसके अंदर, एक तो आपकी वोकैब एंड नेक्स्ट जो चीज़ आपकी चेक हो रही है वो है टेंसेज। इसमें टेंस और वोकैब दोनों का ही खेल है। सो एवरीथिंग ब्लैंक वॉश्ड एंड फ्रेश आफ्टर अ शॉवर ऑफ रेन। सो एवरीथिंग, अब दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो ये है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आर है ना टर्न, अब यहाँ पर आपको टेंस चेक हो रहा है क्योंकि ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर आर तो आएगा नहीं, तो ये टेंस चेक हो रहा है। अब आपके वोकैब आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये भी चेक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरीथिंग ग्रोज से नहीं होगा, अपीयर्स वॉश्ड एंड फ्रेश। आपने देखा होगा जब बरसात हो जाती है शॉवर के बाद तो बड़ी हर चीज़ एकदम जो है ना एकदम चम मतलब साफ साफ रखती है, देखा होगा आपने आसमान बड़ा साफ रखता है जब पहली बारिश हो जाती है। तो अपीयर्स होगा है ना, एवरीथिंग अपीयर्स वॉश्ड एंड फ्रेश आफ्टर अ शॉवर ऑफ रेन। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसके अंदर सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो है आपका वो दोस्तों आपको बताना है कोऑर्डिनेटर मतलब कंजेक्शन दोस्तों यहाँ बताना है आपको। सुमन वॉज नॉट वेल, ये बड़ा अहम टॉपिक है, सवाल यहाँ से भी आपको अक्सर मिलता है। सो सुमन वॉज नॉट वेल, सेकेंड सेंटेंस है शी केम फॉर द प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पर जो कंजेक्शन होते हैं ना आपके ऑपोजिट है ना, तो उसके लिए दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑल दो, बिसाइड, एज वेल, अदरवाइज। दोस्तों ये जो है ना, अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक जो है ना कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, ऐसे हम बात करते हैं ना, या हम बोलते हैं ऑपोजिट जो दो जो आप सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने वाले जो कंडीशन होते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम देखें सुमन वॉज नॉट वेल ऑल दो शी केम फॉर द प्रोग्राम, उसके बाद भी मतलब है ना एक जो जो आपका कॉज था उसने उसको साइडलाइन कर दिया, तो इसमें क्या आएगा ऑल दो आता है, इसमें क्या आएगा आपको ऑल दो, बिसाइड्स नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, एज वेल एज नहीं होगा, क्योंकि एज वेल एज दो चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ऑल दो सुमन वॉज नॉट वेल शी केम फॉर द प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी सही, सॉरी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था सफिक्स, आपको सफिक्स क्या होते हैं जो बाद में लगाते हैं, ऐसे मेंट है, एल वाई है, ऐसे हम बोलते हैं ना मतलब मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, तो बाद वाले जो वर्ड ऐसे लगाते हैं इनसे एक नया वर्ड बन जाता है, एक वर्ड हमारे पास ऑलरेडी है उसमें आप लगाते तो एक नया वर्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं सफिक्स। हमारे पास क्या वर्ड है, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में क्या लगाएंगे आप, स्ट्रेंथ में लगाएंगे आप ई एन, स्ट्रेंथन, तो ये बन जाएगा वर्ब, स्ट्रेंथ इज अ नाउन, स्ट्रेंथन बन जाएगा वर्ब। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही आंसर दोस्तों आपका होगा। सो नेक्स्ट सवाल ये भी आपको आया था, इसको बोलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इसको सही ना किया जा सके। अब ये याद करने वाला जो है टॉपिक है, तो इसका होगा आपका इनकॉरिजिबल है ना, जिसको अगर कोई चीज़ इफ़ मतलब समथिंग इज़ इनकॉरिजिबल, इसका मतलब होता है कि आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन
डी सही आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, या आपको आया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्तों। सेंटेंस है, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो सब यहाँ देखिए ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और जो आपका जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है दोस्तों वहाँ पर जो सेंटेंस दोस्तों वो आपका पास इंडेफिनिट में है। रूल क्या बोलता है, अगर पास इंडेफिनिट में है हमारा स्पीच तो उसको हम पास परफेक्ट टेंस में लेके जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला जो जो आपका सेंटेंस है उसमें बाद वाला जो पार्ट है वो पास इंडेफिनिट में ही है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड वाला दोस्तों देखें आप, और एक बात है लास्ट का हो जाएगा आपका अर्लियर। तो सेकेंड वाला दोस्तों अगर आप सेंटेंस देखें तो यहाँ पर देखें आई हैड सीन, तो ये पास परफेक्ट हो गया, और बाद में क्या आ रहा है आपका अर्लियर नाइट, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन थर्ड वाला देखिए दोस्तों अगर देखें हम, सो जो आपका थर्ड वाला सेंटेंस है ना, यहाँ देखें ये सेंटेंस को चेंज ही नहीं किया गया, तो ये सही नहीं होगा। तो फोर्थ वाला लास्ट नाइट नहीं होगा दोस्तों देखिए, तो इसमें ऑप्शन बी डी काफ़ी क्लोज हैं, तो लास्ट नाइट का हो जाएगा आपका अर्लियर नाइट, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो किरण आस्क मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। तो सर अगला सवाल आया था वी ब्लैंक बाय अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट। तो ये सेंटेंस जो है ना आपका, ये पैसिव वॉइस है, तो आप अगर आपके पैसिव आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से आते तो आप उसको कर पाएंगे, सेंटेंस को समझना भी आपको होता है। सो वी वोक अप नहीं होगा, वी वोक अप बाय अ लाउड नॉइज ये नहीं होगा दोस्तों, वी आर वोकन अप नहीं होगा दोस्तों, पास्ट है ना, वी वर वोकन अप बाय, मतलब वी वर मतलब वॉकिंग अप बाय अ लाउड नॉइज दोस्तों आपका ड्यूरिंग द नाइट। तो इसमें क्या होगा, हमको जगा एक लाउड नॉइज ने हमको जगाया था लास्ट मतलब नाइट, ये इसका उसका मतलब होगा। तो पहला वाला इसका जो है वो नहीं बनेगा। तो उसके बाद वी आर वॉकिंग अप ये भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी दोस्तों आपको देखिए ये भी आपका जो है वर्ड मीनिंग आ गया, आपको बताना था इंट्रूड दोस्तों सेंटेंस है, इट इज़ वेरी डिस्कर्टियस टू इंट्रूड ड्यूरिंग समवन्स कॉन्वर्सेशन। दोस्तों इसका मतलब इंट्रूड का मतलब होता है किसी की बात में दखल देना, है ना, तो यह दोस्तों यहाँ क्या होगा बी इन द वे, है ना, टू इंट्रूड ड्यूरिंग समवन, तो इसका दोस्तों होगा बी इन द वे, किसी के रास्ते में आ जाना या किसी को बात करने से बार बार रोकना, दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये भी दोस्तों देखिए काफ़ी सारे सवाल आपको सुनने में एंटोनिम से आए हुए। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सो ये भी दोस्तों आपको टेंस से सवाल दोस्तों आया था, ही ब्लैंक अ शॉवर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ दोस्तों सिंपल बहुत ही आसान है ये, अगर आपको टेंसेज आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको वहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल पता है तो बहुत ही आसान दोस्तों है ये कि दोस्तों क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ शॉवर इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है वो सुबह को नहीं नहाता है, तो डज नॉट ही के साथ क्या आता है, डज नॉट आता, तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल दोस्तों आपको आया था प्रीपोजिशन से, बहुत ही अहम टॉपिक और ये एक मुश्किल टॉपिक दोस्तों होता है इंग्लिश के अंदर। दोस्तों सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स ब्लैंक हार्ड वर्क अलोन। दोस्तों यहाँ पर एट ओवर फॉर ऑन, तो यहाँ हम जानते हैं डिपेंड के बाद ऑन आता है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही मुश्किल टॉपिक भी है, ये आसान नहीं है, आपको लगता है कि ऑन एट कहीं भी नहीं आते, अगर आपने कुछ और लगा दी कहीं कहीं तो उसका मतलब बदल जाता है, तो ये लगता बड़ा आसान लेकिन आसान नहीं होता, तो सवाल यहाँ से दो तीन आते ही आते हैं। तो यहाँ के दोस्तों क्या होगा, ऑन हार्ड वर्क अलोन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल आपको आया था प्रोनाउन से, सेंटेंस था वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वॉट। अब ध्यान रखें अगर कोई सेंटेंस वन से शुरू होता है एंड वन इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन स्टार्टिंग में आता है तो सार जब भी आगे सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो हमेशा वन ही आता है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी वन, व्हाट वन सेज, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर दोस्तों होगा। तो नेक्स्ट सवाल अभी आपको आया था प्रीपोजिशन से, शी हैज थ्री चिल्ड्रन ब्लैंक हर फर्स्ट हस्बैंड। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी क्योंकि काफ़ी क्लोज ये हो जाता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है फ्रॉम ऑफ भी, क्योंकि बर्थ के केस में जो है ना ऑफ भी आ जाता है और बाय भी आता है, दोस्तों फ्रॉम से, क्योंकि आप यही बोलते हैं कि पहले मेरे हस्बैंड से तीन बच्चे हैं तो फ्रॉम से के सेंस में फ्रॉम, लेकिन यहाँ दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस में हम बाय लगाते हैं ना, क्या होगा, शी हैज़ थ्री चिल्ड्रेन बाय हर फर्स्ट हस्बैंड, तो ऑप्शन सी अगेन इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल अगेन आपको आ गया प्रीपोजिशन, दोस्तों देखिए तीन सवाल आपको आ चुके हैं, इसके बाद एक और आने वाला है, आई एम फॉन्ड ब्लैंक रीडिंग नॉवल। दोस्तों अब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है,
फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये फिक्स है, जब भी फॉन्ड आएगा, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत मतलब एज सिंपल एज ए बी सी, जब भी फॉन्ड आएगा देन इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी जो था आपको आया था प्री पोजिशन। देखिए तीन चार सवाल आए इस टॉपिक से, अगर आपका अच्छा है, अच्छा ही टॉपिक, सारे नोट से आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सब नोट से आएगा और आपका सारा निकल जाएगा, मतलब आराम से अंग्रेजी काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ही प्रिवेंटेड मी ब्लैंक गोइंग टू स्कूल, आपके ऑप्शन है फ्रॉम फॉर विद ऑन। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ही प्रिवेंटेड किसी चीज़ से रोकना, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ध्यान रखिए से के लिए वाई भी आ जाता है, ऑफ भी आ जाता है, फ्रॉम भी आ जाता है और विद भी आ जाता है, तो ये इसलिए ये टॉपिक ज़रा मुश्किल रहता है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल थोड़ा दोस्तों मुश्किल था, ही वॉज अ हॉरेबल मैन। दोस्तों ये सवाल भी आपका प्री पोजिशन से आया। देखिए ही वॉज अ हॉरेबल मैन, आई कुड नॉट सी एनी गुड। आपके ऑप्शन हैं ऑफ, इन, इधर ए और बी, फ्रॉम। दोस्तों ये वाला कई बच्चे इसमें अटके होंगे, लेकिन इसमें जो है ना ऑप्शन जो है सी सही होगा, इधर ए और बी, इसमें दोनों आ सकते हैं, इन हिम भी हो सकता है, ऑफ हिम भी हो सकता है। आई कुड नॉट सी एनी गुड ऑफ हिम और इन हिम, तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है, मतलब तो इसमें आपको आएगा इधर ए और बी, दोनों इसमें आंसर हो सकते हैं। दोस्तों ये थे आपके लिए दोस्तों इंग्लिश, मैंने आपको सारी बताई किस टॉपिक से दोस्तों आया था, ये मैंने आपको सारा बता दिया, समझाया। नोट दोस्तों नंबर आपको दिया स्क्रीन पे, बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करवाऊंगा, बस यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग टू क्वालिफाई फॉर AMEBSC एग्ज़ाम। अगर आपने सही से पढ़ा, मेहनत की, आप में लगन है, तो मेरे नोट्स आपका टेस्ट 100% निकलवा देंगे, लेकिन ध्यान रहे बिना आपके पढ़े नहीं हो पाएगा। सो ये था आपके लिए इंग्लिश वाला पार्ट, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।